भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मांग की है कि निंदा कानून लाया जाए जिससे सनातन धर्म और भगवान के खिलाफ टिप्पणियां बंद हो। हिंदू संगठन ने टीटी नगर थाने में दिव्य कीर्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया है। हिंदू संगठन ने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने विकास दिव्य कीर्ति का पोस्टर जलाकर उसका विरोध किया। संगठनों का कहना है कि दिव्य कीर्ति ने भगवान राम और माता सीता को लेकर जो उदाहरण दिया है वह आपत्तिजनक है। संस्कृति बचाओ मंच ने मांग की है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जहां जहां इनके संस्थान हैं उन्हें बंद किया जाए और दिव्य कीर्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसको गिरफ्तार करे। डॉक्टर दिव्य कीर्ति जो कि दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक हैं और यूट्यूब और अन्य जगह उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अपनी कोचिंग में जिस प्रकार से भगवान राम के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके प्रति जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया है, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। विचार करने वाली बात है कि भगवान राम ने माँ सीता के लिए ही युद्ध लड़ा था और उन्हें लंका से वापस लाने के लिए युद्ध लड़ा था और राम सेतु की स्थापना करी थी, और उसके पश्चात उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जिस प्रकार आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आपके डीएनए में मुझे बदबू आती है, ऐसा लगता है कि आप भी चार पांच पिताओं की औलाद होगे, तभी आप हमारे हिंदू धर्म की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में और जहां जहां इनके इंस्टीट्यूट है वहां पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके इनको जो है जेल में भेजा जाए। राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है, मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।